होम्योपैथी चिकित्सा की दुनिया में रूमेटोलॉजी में विशेष योगदान रखने वाले डॉक्टर राजश्री मिश्रा को द्वितीय विश्व होम्योपैथी समिट के आयोजन में पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर दुबई में विभिन्न हस्तियां शामिल हुई। होम्योपैथी चिकित्सा जगत में सबसे कम उम्र के चिकित्सक के रूप में उभरे डॉक्टर राजश्री मिश्रा ने देश विदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में अपना लोहा मनवाकर दुर्ग भिलाई का गौरव बढ़ाया है। आपको बता दें, इतनी कम उम्र में डॉक्टर राजश्री मिश्रा अपनी शुरुआत एक मेडिकल स्टोर में काम करके शुरू की, जहां वे आज इतनी उपलब्धि पाकर भिलाई के सेक्टर 10 में अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। 7 बजे से 12 बजे तक आप फ्रूट्स खाइए, ओनली फल खाइए। 7 बजे से 12 बजे तक फल खाने से क्या होता है, उसमें ग्लूकोज बहुत कम मात्रा में जाता है शरीर में, फ्रुक्टोज ज़्यादा जाता है। ग्लूकोज अगर बॉडी में जाएगा नहीं तो इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें, बीते 14 जुलाई को दुबई में बुर्ज अल अरब विश्व का एकमात्र 7 स्टार होटल है जहां इसका आयोजन किया गया, जिसमें आयोजित द्वितीय विश्व होम्योपैथी सेमेस्टर के आयोजन में जहां 25 देशों से 300 होम्योपैथी चिकित्सकों ने हिस्सा लिया था, वहीं इस दौर में छत्तीसगढ़ से 2 मात्र डॉक्टर, एक रायपुर और दूसरा भिलाई से सम्मानित किया गया। इस आयोजन में विश्व के विभिन्न देशों से होम्योपैथी चिकित्सा में अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले डॉक्टरों का सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ से इस सम्मान समारोह में डॉक्टर राजश्री मिश्रा को रूमेटोलॉजी में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि यह आयोजन बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया। इस आयोजन में सम्मान समारोह के अवसर पर विशेष रूप से महान क्रिकेटर जॉन्डी रूड, सनत जयसूर्या, क्रिस गेल सहित फिल्मी हस्ती अनुपम खेर, रवि किशन, कुमार विश्वास, मनोज तिवारी जैसी हस्तियां सम्मिलित हुई। इस संबंध में डॉक्टर राजश्री मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी। दुबई में था अवार्ड फंक्शन, वर्ल्ड होम्योपैथिक समिट था, ये बर्नेट होम्योपैथी से ऑर्गेनाइज किया गया था और विश्व की 25 देशों से होम्योपैथिक डॉक्टर आए थे। होम्योपैथिक काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो भी आए थे। इंडिया से लगभग हम लोग 40-50 डॉक्टर गए थे, जिसमें कि छत्तीसगढ़ से हम लोग 2-3 लोग थे। मैं भिलाई दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से गया था, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डॉक्टर को सम्मान किया गया है। मुझे बेस्ट होम्योपैथिक रिमेटोलॉजिस्ट का सम्मान दिया गया है, क्योंकि मैं काफ़ी 3 साल में अपने फील्ड में अच्छा सहयोग किया हूँ। होम्योपैथिक में जितने भी रियोमेटिक केस है, ऑर्थराइटिस का केस है, गाउट की केस है, उसमें मैं अच्छा रिजल्ट दिया हूँ और उसमें मुझे अच्छा होम्योपैथिक, अच्छा बेस्ट रियोमेटोलॉजिस्ट का सम्मान दिया गया है। होम्योपैथी में क्योंकि 2 चीज़ है, एक तो क्विक रिजल्ट, हमारे जैसे यंग स्टार होम्योपैथिक में बहुत आए हैं और क्विक रिजल्ट आ रहा है, कम खर्चे में अच्छा इलाज। आज का दिन में कॉरपोरेट लाइफ में इतनी ज़्यादा दूसरे हॉस्पिटल में जाने से इतना ज़्यादा खर्चा लगता है, तो कई बार लोग नहीं सफ़र नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए होम्योपैथी कम पैसे में और अच्छा परमानेंट इलाज, मेनली सबको आप छोड़ दीजिए, मेन परमानेंट इलाज। होम्योपैथिक में एक बार कोई डिजीज ठीक होता है तो दोबारा नहीं आता है शरीर में, ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो होम्योपैथी में सभी, कोई बीमारी का यहाँ पे इलाज नहीं होता, यहाँ पे बीमार का इलाज होता है। बीमार के अंदर जो बीमारी होती है वो 100% ठीक होता है। हम लोग ये नहीं देखते हमारे पास पेशेंट फाइल्स के लिए आया या किसके लिए आया, जोरों के दर्द के लिए आया, हम लोग टोटलिटी पूछते हैं। होम्योपैथिक में सिर से नाखून तक पूरा सिम्टम लिया जाता है, जिसमें कि आपको पानी का प्यास कितना है, आपको गर्मी ज़्यादा लगता है या ठंडी ज़्यादा लगता है, आपको नींद कैसा है, नींद में कोई सपना तो नहीं आता है, ऐसे टोटलिटी ऑफ सिम्टम बना के जो दवाई सेट होता है वो कोई भी डिजीज में काम आता है। तो होम्योपैथिक में सभी रोगों का इलाज होता है, लेकिन मेरा जो स्पेशल इंटरेस्ट है, मेरे को सबसे अच्छा लगता है जोरों की दर्द की दवाई देना, और उसमें मुझे 3 साल से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जैसा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, रिमेटोइड आर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं उसी में ही आगे बढ़ रहा हूँ। पेशेंट तो मैं लगभग 130 to 150 पेशेंट पर डे देखता हूँ, बाकी जो वेटिंग पेशेंट रहती है उसके अलावा भी नेक्स्ट डे के लिए अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। देखिए, मेरा लाइफ सर ऐसा रहा है, मैं कलकत्ता से यहाँ दवाई दुकान में काम करने के लिए आया था और मैं दवाई दुकान में 8 साल लगातार काम किया। मुझे डॉक्टर बनना था, एक सपना था, मैं डॉक्टर बना, अपनी मेहनत से बना, आप लोगों का आशीर्वाद से बना। होम्योपैथी कॉलेज में गया, मैं पूरा दवाई दुकान में काम करते करते पूरा पढ़ाई किया, उतनी ही पैसा से जितना कमाता था उतने में कॉलेज आना जाना करता था। उसके बाद मैं डॉक्टर बना और इंटरनेशनल लेवल की जब सम्मान मिलता है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होता है और मेरे से ज़्यादा मेरा माँ बाप भी खुश है, क्योंकि उनको, मैं गाँव से, छोटा सा गाँव से उठ के आया हूँ, गाँव के लोग भी काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं जो मैं इस जगह में हूँ, जो कि पर डे 100-150 मरीज देखता हूँ और सबकी आशीर्वाद मेरे साथ है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये मार्केट के लोग, लगभग मुझे क्लिनिक घुसने में 1 घंटा लग गया था, इतना माला, इतना बैंड बजा लेके उन लोग आए थे, क्योंकि उन लोग मेरा एकदम छोटा लेवल देखे थे,
मैं जब काम करने आया था यहाँ पे दुकान में, सामने झाड़ू लगाता था, पोंछता था, वो लेवल से जब मैं कोट पैंट पहन के ये अवार्ड लेके आया तो उन लोग बहुत खुशी महसूस किए, वो देख के उन लोग पूरा सम्मान दिया मेरे को बहुत ज्यादा। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।